दरगाह थाना इलाके में सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया। अजमेर के दरगाह थाना इलाके में सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जहां दो युवकों ने एक नाबालिग युवती के साथ दुष्कर्म किया। मामले में पुलिस ने दो जनों को गिरफ्तार किया तथा नाबालिग को निरुद्ध किया। थानाधिकारी हेमराज मोड़ ने बताया कि यूपी की रहने वाली नाबालिग ने असगर नाम के युवक के खिलाफ उसको बहला फुसला कर दुष्कर्म करने के बाद में उसके दो साथियों के साथ लगातार दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। मामले में पुलिस ने दो जनों को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। एक वो दिल्ली के रहने वाली नाबालिग बालिका है, जो 4-5 महीने पहले अपनी सहेली के साथ दिल्ली से आई थी। जो सहेली तो कहीं चली गई इसको बिना बताए ना, और स्टेशन पे अकेली रह गई थी, जहाँ से उसके बताए अनुसार एक लड़का अजगर नाव का लड़का है जो इसको लेके आ गया था अंदर कोर्ट में कहीं जहाँ वो रहता था, और वहाँ उसने लड़े के कुछ दिन बाद में उसके साथ में गलत काम किया। उसके बाद में उसके साथ दो लड़के और थे, उन्होंने भी उसके साथ गलत काम किया, और उसके कहने के अनुसार उसके साथ कई बार इन तीनों लड़कों ने गलत काम किया है। सर लगभग कितने आरोपी हैं? 3 आरोपियों का नाम बताया इसमें। सर सिर्फ अंदर कोट क्षेत्र के ही है? तो हैं अंदर कोट में रहते हैं, लेकिन हैं बाहर के रहने वाले, दूसरे प्रदेश में रहने वाले। इसमें कोई नाकाबिल है आरोपी? नहीं, वो तो जब सामने आएंगे तो पता चलेगा। नहीं, परिजन वगैरह कोई नहीं है। कोई एक सामाजिक कार्यकर्ता से मिली थी दो चार दिन पहले, और कल कोई लड़कों ने उसको कोई धमकी वगैरह देना बताया, जिसके बाद में इसने उसको पूरी घटना बताई, जिस पर उन्होंने आज उस सामाजिक कार्यकर्ता के साथ में आगे थाने में रिपोर्ट कराई है। सामाजिक कार्यकर्ता महिला थी जिसके साथ आगे रिपोर्ट।